ओम शांति। आज बाबा के 31 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज के मुरली में बाबा कहे, बाबा जो राज बताते हैं उसको समझने की बेहद की बुद्धि चाहिए। अगर हद की बुद्धि होगी तो राज को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। तो कौन सा ऐसा गुह्य राज बाबा ने समझाया है जिसके लिए बाबा कहे बेहद की बुद्धि चाहिए? तो वास्तव में ड्रामा का गुह्य राज, और उसमें भी बाबा कहे जिस समय जो सीन चलनी है वो एक्यूरेट चलती है। इसलिए बच्चों को कभी मूंझना नहीं है, बेहद की बुद्धि से उसको अच्छी तरह समझना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, अर्थात इनाम दो। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5,000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, अब वह भी कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो एक बाप ही है। शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। शांति की शक्ति कहो, शांति का सागर बाप से ही यह वर्षा प्राप्त होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, कोई चाहे या न चाहे, विश्व में शांति तो होनी ही है। चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, बाबा से हमको वरदान मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्यवान भव, धनवान भव कहते हैं ना। तो बाबा कहे वरदान देते हैं ना, आयुष्यवान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती, आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो।
मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, हर एक के पास जाकर झुकते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, लेते हैं। माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती? गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे, कहेंगे यह तुमको बख्शिश है, अर्थात इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए, मनुष्य मनुष्य को देते हैं, शाहूकार गरीब को अथवा शाहूकार शाहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थाई। शांति और सुख स्थाई रूप में किसी को मिल जाए तो वो तो बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। यहां तो कोई एक जन्म के लिए नहीं, यहां तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। तो सुख शांति कैसे वो देता है स्थाई रूप में? उसके लिए पवित्रता कहा जाता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा आकर पवित्रता के माध्यम से सुख और शांति स्थाई दे सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है, तुम लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहां 100% अपवित्रता दुख शांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विषय होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है, ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के दो भाग है, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। ये झाड़ 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको भी पता नहीं होता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्य का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है,
इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है, आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, मनुष्य का जन्म दिन कहें। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं। बाबा कहे, तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता है, या कोई जानते नहीं। बाबा ने बेहद की बुद्धि दी, तब हमने समझा कि शिव बाबा की रात्रि क्यों है, उनका जन्म कैसे दिव्य और अलौकिक है। तो बाबा कहे, ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या है, तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ, एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है, पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं है, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है, विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं, वह क्या आवागमन है। बाबा कहे, मनुष्य इतने तंग हो जाते जो कहते हैं यह क्या आवागमन है, अगर 84 लाख जन्म का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता, 84 जन्म में इतने थक गए, ये क्या आवागमन है। तो 84 लाख जन्म होता तो पता नहीं क्या होता, न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है, कब आता है कैसे आता है ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए, तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती है, छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में, बाबा कहे, बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं,
पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबर वार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है। हम बाबा कहे किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगा। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं कहता हूं बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं। मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो नहीं सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे, तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या, एक ब्रह्मा को ही ज्ञान देंगे क्या। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो, क्या कहते हो, बाप को याद करो। बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो,
तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। फिर आज बाप दादा का मधुर वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रू रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रू रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन है दृढ़ता, असंभव से भी संभव करा देती है। सिर्फ दृढ़ता की शक्ति चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए तो असंभव से भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।